जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। सबको बड़ा अच्छा लगता है, सर्दी के मौसम में गाजर का हलवा तो फ्रीक्वेंटली बनाते ही रहते हैं। आज हम वही बनाने जा रहे हैं। ये हमने 600 ग्राम गाय का दूध लिया है और गैस पे हमने इसे गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। और इसमें हमने ये 3 साबुत इलायची डाल दी हैं। ये दूध के साथ उबल के इनकी खुशबू दूध में हो जाएगी। ये हमने अपनी गाजर चॉपर से बारीक बारीक काट ली हैं। हमने 300 ग्राम गाजर लिए हैं और हम इनको ये माइक्रोवेव वे वाले इस बाउल में रख के ढक्कन लगा के माइक्रोवेव में 7 मिनट के लिए रख देंगे। 7 मिनट के बाद ये गाजरें हमारी नरम हो जाएंगी। तब तक हम अपने बादाम और काजू काट लेते हैं। ये हमने 10-12 दाने बादाम के लिए हैं और 10-12 दाने काजू के लिए हैं। हम इनको कुछ काजू तो हम काट लेंगे और कुछ थोड़े आधे पीस में कर लेंगे और कुछ छोटे छोटे कर लेंगे, और बादाम को हम लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। ये हमारी गाजर उबल गई हैं। माइक्रोवेव में से हमने इनको बाहर निकाल लिया। अब हम एक चम्मच से देखेंगे, ये गाजरें हमारी बिल्कुल नरम हो गई हैं। हमें बहुत ज़्यादा नरम तो करनी नहीं है। अब हम एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें गाजर डाल के घी डाल के भूनेंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है और इसमें अब हम घी डालेंगे। 2 बड़े चम्मच घी के डाल लिए हैं और इसमें अब हम ये अपनी गाजर पलट देंगे। अब हम इन गाजरों को थोड़ी देर घी में भूनेंगे, लगभग 5 मिनट के टाइम तक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। हम इसमें 100 ग्राम चीनी डालेंगे, 1/3। 300 ग्राम हमने गाजर लिया है तो हम 100 ग्राम इसमें चीनी डालेंगे। हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया है। ये हमें इसे मावे के लेवल तक ले आए हैं। बस गाजर को भून लेंगे जब हम, ये उसी में मिला देंगे। गाजर भून गई हैं, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। हमने 100 ग्राम चीनी लिया है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना चाहें तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये 100 ग्राम चीनी इसमें ठीक ठीक मीठा बनेगा, बड़ा टेस्टी हलवा बनेगा। ये इसकी रंगत भी कितनी अच्छी आ रही है अभी तो। इसके अंदर जब हम दूध का खोआ मिलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी ये चीनी घुल के इसमें पानी पानी छोड़ देगी और जब ये चीनी की चाशनी सी कुछ कुछ होने लगेगी तब हम इसमें खोआ मिला देंगे और ड्राई फ्रूट डाल देंगे। चीनी हमारी घुलने लगी है, लगभग घुल गई है। गाजर के हलवे का रंग कितना लाल लाल अच्छा हो गया है चीनी डलते ही। हम इसमें थोड़े बादाम डाल देंगे, थोड़े ऊपर डेकोरेट करने के लिए डालेंगे, गार्निश कर देंगे। काजू भी डाल देंगे थोड़े से, काजू हम बाकी गार्निश में डालेंगे। ये हमारा चीनी तो घुल गई है, ये सारा घी और चीनी का पानी पानी सा हो गया है जो हमने अभी रबड़ी बनाई है, दूध का मावा निकाला है, हम इसमें वो डाल देंगे। और इसको मिला देंगे। गजरेला बनाने में हमें सबसे ज़रूरी बात हमारे लिए ये है कि जब हम दूध को या तो मावा बनाते हैं या हम बाज़ार से बना बनाया लाते हैं, अगर मावा बनाते हैं तो ये दूध हमारा जलना नहीं चाहिए। आराम से हिलाते हुए हमें दूध का मावा बनाना चाहिए। ये हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। घी छोड़ने लगा है चारों तरफ से हलवा, और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल के गार्निश करेंगे। हमने गैस बंद कर दिया है। ये हलवा हमारा गाजर का तैयार हो गया है। हम ऊपर से इसमें डेकोरेट करने के लिए ये बादाम और काजू और डाल देंगे। गरम गरम हलवा खाइए और सबको खिलाइए। सर्दियों में तो एक गाजर का हलवा बार बार बनाने को और खाने को मन करता है। ये मेरी गाजर के हलवे की रेसिपी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।